व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? डोमेन और रेंज के बीच का रिलेशन। डोमेन एंड रेंज का रिलेशन फंक्शन। बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? ये वर्ड कहाँ से मिला? बाइनरी रिलेशन डोमेन रेंज के बीच में रिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल एंड अनदर। अच्छा, देन रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन किसको बोलते हैं? रिलेशन मतलब कनेक्शन किसके किसके साथ? दो सेट्स का कनेक्शन। रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ सेट डोमेन एंड बी कोडोमेन। फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट विथ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब डेफिनेशन कहाँ से मिल रहा है? फंक्शन इज ए रिलेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट विथ अदर इंडिपेंडेंट। दोनों इंडिपेंडेंट, फिर रिलेशन कैसे बनेगा? जब दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर कैसे रिलेट करेंगे? एक कुछ डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वाला और कुछ डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हम कैसे उनको कैसे रिलेट करेंगे? तो एक फंक्शन बताओ ना, कोई एक फंक्शन बताओ। आपको कुछ नॉन फंक्शन बताओ। साइन एक्स। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एक्स के ऊपर वाई डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हाँ सर। हाँ सर। दोनों कैसे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। हियर एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट। डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई मिलेगा, मतलब एक्स डिफरेंट एक्स के लिए आपका वाई का वैल्यू मिलता है। तो आप लोग का बोर्ड में हुआ होगा ना रिलेशन फंक्शन? क्या हुआ है? सर हो गया सर, बट रिवाइज नहीं किया। कितना रिवाइज चाहिए सर? क्या मतलब हुआ है? डेढ़ महीने पहले हुआ, डेढ़ दो महीने दस पहले दस हुआ महीने सर। पहले होता तो क्या फर्क पड़ता है? ये मेरे समझ में नहीं आता है।
मतलब डिटरमिनेंट आपका हो गया तो डिटरमिनेंट आप दो महीने के बाद पूछोगे तो मतलब भूल जाओगे फंक्शन दस महीने पहले भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल का डेफिनेशन बताओ. लोकस ऑफ अ पॉइंट. इट्स मूव्स इन सच अ वे व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. इसको मैं दो सर के बाद कोई पूछेगा आप भूल जाओगे? नहीं सर. तो कोई क्वेश्चन आप भूल जाते हो अलग बात है, अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है ठीक है वो अंडरस्टैंड, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बट ये कैसे होगा? सेट सेट पता है सेट्स? कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है? नहीं सर. नहीं सर. नहीं पहले होगा मतलब ऐसे लिखा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. हाँ सर. मतलब दो सेट्स के मल्टीप्लिकेशन है सर, बोल रहे हैं ए और बी यहाँ पे सेट है ना. हाँ, का कार्टेशियन प्रोडक्ट. हाँ सर वो पता है, वो पेयर एलिमेंट में रहता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. लेट सेट ए इज द 1 2 3, सेट बी द ए बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रहेगा? ए क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या होता है सर? 1 A into 1 B गलती से बोला 1 B सर, 2 A, 2 B, 3 A, उसके बाद 3 B. This is your Cartesian product. So if A has m elements, B has n elements, then number of elements present in their Cartesian product. कितना होता है? m into n. Okay. इसका power set में कितने elements होंगे? P of A plus B. Power set मतलब क्या है? What is power set? Power set किसको बोलते हैं? ये सब स्कूल में आप लोग का था. Power set मतलब number of subsets. हाँ सर. Number of subsets present in set A is called power set of A and denoted by P of A. तो इसका पावर सेट में क्या होगा?
इसका कितने सब कितने सारे सबसेट्स होंगे? एट. व्हाट इज द लॉजिक? 2^10. 2^10 ऐसा क्यों होता है? व्हाई 2^10? पहले बता पावर सेट होता है क्या? इसके पावर सेट में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? वन टू थ्री वन और टू नहीं, ये इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट्स. एक एक एलिमेंट का सेट, फिर दो दो एलिमेंट्स का सेट, वन टू वन थ्री टू थ्री टू वन टू थ्री, देन तीन तीन एलिमेंट का सेट, मतलब इट्स अ सेट ए, और एक एम्प्टी जीरो एलिमेंट्स का सेट, मतलब नो एलिमेंट, नल सेट. तो कितने एलिमेंट्स हुआ सर? ये पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है? इसको बोलते हैं सबके सब सबसेट्स, एट. तो 2^3 होता है. लॉजिक क्या है सर? वो एनसी जीरो प्लस एनसी वन से लेकर एनसी एन. यस, लॉजिक होता है एनसी जीरो जीरो, मतलब नो एलिमेंट्स को लेके एक सेट बनाया, एक एक एलिमेंट्स का सेट्स बनाया, दो दो एलिमेंट्स का सेट्स बनाया, अब तो एन एन एलिमेंट्स का सेट्स बनाया. एक इसका वैल्यू क्या होता है? 2^n. 2^n. दिस इज द लॉजिक. Okay. Yes, so if a set having n elements, then their power set having 2^n elements. So ye Cartesian product mein kitne elements hua? 6 elements are here. Yes, sir. Okay. So number of subsets kitna hoga? 2^6. 2^6. तो इसमें आप कोई भी सबसेट उठाओ, मतलब 2^64 सबसेट्स आर देयर. कोई भी सबसेट उठाओ, ईच एंड एवरी सबसेट और रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी. सपोज ए तीन कहाँ है सबसेट? एक हाँ, ये तीन एलिमेंट का लेके मैंने एक सबसेट बनाया, ठीक है? तो आपका क्या हुआ? ये ए, ये आपका बी. सेट ए में क्या रहा? 1 2 2, मतलब 1 2. बी में रहा ए बी. 1 का रिलेशन बी के साथ है, 2 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ. तो कोई भी सबसेट उठाओ, दिस इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, ठीक है? इसको हम बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी एंड डिनोटेड बाय आर ऑफ ए टू बी. आर स्टैंड फॉर रिलेशन, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है. द सेट ऑफ रिलेशन से कुछ सेट्स होता है जो फंक्शंस होता है विद सर्टन कंडीशन. सर्टन कंडीशन के साथ कुछ रिलेशंस आपका फंक्शन बनता है, ठीक है? तो मेक इट नोट. If n of a ऐसे लिखा जाता है और आप ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है? इसको बोला जाता है कार्डिनालिटी. सर ओके, सेट में इसको बोला जाता है कार्डिनालिटी. कार्डिनालिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स
प्रेजेंट इन सेट ए. ओके, इसको एक्चुअली एनएफ ए लिखा जाता है, नहीं तो ऐसा डोंट कॉल इट मॉडुलस, मॉडुलस नहीं बोला जाता है इसको. कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए. इफ एन ऑफ ए सिंपल यू कैन कॉल्ड एन ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द एम एंड एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन देन ए क्रस बी में कितना एलिमेंट्स रहेगा उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट्स होगा m into n. m into n. तो p of a cross b में 2 raised to mn. इसका कार्डिनलिटी, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है 2 raised to n. ओके, तो एनी सबसेट ऑफ सबसेट any subset of a cross b or you can call any set of p of a cross b power set में subsets रहते हैं तो कोई भी subset आप उठा सकते हो. ठीक है, any subset of a cross b or any set of power set of a cross b both remains same. ठीक है, इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी. ओके, सपोज ये भी याद रखो, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इसका मतलब होता है एक्स एलिमेंट ए में होगा वाई एलिमेंट बी में होना चाहिए. देखो इसका जो हम पेयर एलिमेंट्स रखे वन कॉमा ए, वन किस में है, ए में है, ए बी में है, थ्री कॉमा ए, थ्री एलिमेंट्स आपका ए में है, सेकंड एलिमेंट्स आपका बी में होना चाहिए. इफ एक्स एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए प्लस बी दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी. So any subset of A cross B is a relation from set A into set B and denoted by R of A to B. R stand for relation. Relation from set A into set B. Okay? Definition of function. A function from a relation from set A into set B, symbolically you can write a relation from A to B. A relation from set A into set B is called function. Only if each and every every element of A there exists
यूनिक इमेज इन द A relation from set A into set B is called function only if each and every element of A there exist unique image in B. Unique matlab? Unique matlab kya hai? Ek hi image hona chahiye. Haan sir. Ek hi image hona chahiye. Yes. Theek hai? Samajh mein aaya? Ab to function hum karenge matlab रिलेशन हम नहीं करेंगे. रिलेशन क्या होता है समझ में आया? यस सर. कोई भी दो सेट का रिलेशन कैसे मिलता है? उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलता है. कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई भी सबसेट उठा लो, कोई भी सबसेट उठा लो, दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने सारे एलिमेंट्स नहीं, कोई भी एक सबसेट उठा दो, ईच एंड एवरी सेट बिकम ए रिलेशन from set A into set B. जब कार्टेशियन प्रोडक्ट A plus B होगा, then relation from A to B होगा. ठीक है? For this case, there are 64 subsets are here. तो कोई भी subset ले लो, even null set also, subset में भी null set आएगा, even null set a relation from set A into set B. कुछ भी element नहीं, फिर भी वो relation है. Okay? But function क्या होता है? वो रिलेशन से कुछ सेट्स ऐसे होता है जो फंक्शन होता है. हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है. एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन नॉट अ फंक्शन. फंक्शन रिलेशन से आया है ना, तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है. ठीक है? तो इसके लिए क्या स्पेशलिटी है, एडिशनल कंडीशन क्या है? ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए, ईच एंड every element of A, there exist unique image in B. हम जब function from A to B करेंगे ना, तो ऐसा होना चाहिए हर element, A का हर element का image B में होना चाहिए. And denoted by function from A to B. ऐसे लिखा जाता है. F stand for function. Function from A to B. Right on. सर एक सेकंड ऊपर.
डन सर, दो मिनट। सर एक सेकंड। यस, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। कुछ रिलेशन ही फंक्शन होता है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है हमेशा। ओके, तो इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज देयर, देन सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट बी इज कॉल्ड क्या, कोडोमेन। सेट ए को डोमेन बोला जाता है, सेट बी को कोडोमेन बोला जाता है। व्हाट इज डोमेन सर? स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। Then what is domain? Values for which function of x is defined. Definition of domain. If y is equal to f of x, be a function. Then the set of values of x for which f of x defined, the set of values of x for which f of x defined is called domain of f of x and denoted by dA. ये suffix में रहता है, d stand for domain, f is the function, domain of the function. For example, f of x is equal to 3x, domain क्या होगा?
आपको देखना है कि कौन सा x के लिए आपका f of x डिफाइंड नहीं हो पा रहा है। R तो डोमेन होगा, कोई x के लिए, एवरी x के लिए डिफाइंड होगा, कोई x के लिए ऐसा नहीं कि वो अनडिफाइंड हो। डोमेन क्या होगा? अच्छा ठीक है, x माइनस फोर करता हूँ, क्या होगा? सर नंबर ग्रेटर देन फोर, तो डोमेन हो जाएगा क्या होगा? नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, फोर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर मींस फोर टू इन्फिनिटी, करेक्ट ना? यस सर, यस हाँ सर, यस सर। साइन एक्स डोमेन वन से वन इंक्लूडिंग बोथ, वन माइनस वन से वन डोमेन, तो एक्स हंड्रेड होगा तो साइन एक्स निकल नहीं पाओगे सर, माइनस एन पाई टू बाई, मैंने साइन एक्स कहीं पे अनडिफाइंड नहीं होता है, साइन एक्स एवरीवेयर डिफाइंड। सर वैल्यूज एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू, गलती से बोल, एवरी रियल नंबर अदर देन टू, टू को छोड़ के। वर्टेक्स डोमेन सर कॉट जीरो के अलावा, कॉट जीरो के अलावा सब डिफाइंड होता है, 180 पर भी डिफाइंड होगा? नहीं सर, नहीं सर, एन पाई के सिवाय, एन पाई हाँ डिफरेंस एन पाई, एन पाई को हटाओ के तो दीज आर द डोमेन। यस सर, व्हाट इज रेंज? Values किसका? Function की जो values होती है, maximum और minimum value। Domain अंदर जो range मतलब values आ रही है। Domain को use करने के बाद f of x का certain set मिलता है। Okay, that set is called range. The set of values of f of The set of values of x is the domain. The set of values of y is called range. Y मतलब f of x. The set of values of y or f of x is called range. ठीक है? रेंज जो होता है वो फोर डोमेन का सबसेट होता है, एंड रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू रेंज इज द सबसेट और इक्वल टू फोर डोमेन, जो हम ये जो फोर डोमेन का सबसेट होता है, नहीं तो कभी कभी इक्वल होता है।
for an example, y is equal to x square, range जीरो से इनफिनिटी जीरो से इनफिनिटी हाँ सर सिलेक्ट नहीं हो रहा स्टॉप करता हूँ सर हाँ सर बाकी नहीं हो रहा ठीक है रेंज क्या होगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर रेंज जीरो से इनफिनिटी जीरो से लेके इनफिनिटी जीरो क्लोज वाई इक्वल टू साइन एक्स रेंज माइनस वन से लेके प्लस वन और टू रेस टू एक्स रेंज नेगेटिव इनफिनिटी से इनफिनिटी नेगेटिव इनफिनिटी से इनफिनिटी कौन सा एक्स के वैल्यू के लिए आपको टू का वैल्यू माइनस वन होगा मतलब टू रेस टू एक्स माइनस वन होगा कौन सा एक्स एक्स हाँ आर होगा वन टू इनफिनिटी सर नेगेटिव साइन भी आ गया तो भी 1/2 1/4 ऐसे ही जाएगा तो 1/2 आएगा तो फिर 1 टू इनफिनिटी कैसे हो रहा है जीरो नॉट इंक्लूड हां सर जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा आंसर क्या होगा मतलब रेंज क्या होगा जीरो टू इनफिनिटी जीरो टू इनफिनिटी बोथ ओपन हां सर कभी ये नेगेटिव नहीं होता है ऑलवेज स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो इज रिस्पेक्टिव एनी एक्स कोई भी एक्स डालो So these are the arrange. हम उस डोमेन रेंज के बारे में हम ये करेंगे बाद में डिस्कस करेंगे और एक थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स रेंज माइनस फाइव से प्लस फाइव यस माइनस फाइव से लेके ओके नोट डाउन डोमेन रेंज कहां से करना है इधर से
Done. Sir, 1 minute, sir. Last two examples. तो मैं कुछ रिलेशंस दे रहा हूँ, आपको बोलना है कि वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, ठीक है? मैं सेट ए सेट बी करके कुछ रिलेशंस दे रहा हूँ।
ओके बताओ फर्स्ट वन फंक्शन नहीं है क्यों? नहीं है एक है दो है वन का डबल इमेज है सर वन ये बोल रहे हो रिलेशन है बाकी सारे हाँ सर ओके सो दिस इज नॉट ए फंक्शन सेकंड वन ठीक है थर्ड वन नहीं थर्ड वन फंक्शन है हाँ सर है सर फंक्शन है सर That is a relation as well as function. ये relation आपका function होगा. Okay. What is the domain? Function होगा तो domain and range होना चाहिए. What is the domain? A B C D. मतलब set A. Okay. पूरा set A. Range? खाली two. Only two. Only two. This one? Function. Not a function. Not a function. Fourth का नहीं है. Four का नहीं. Fourth का image? नहीं है. मैंने क्या बताया था? Each and every element of A, there exists unique image in B. हर element का image होना चाहिए. इधर four का image? नहीं है. That's why this is not a function. Function. Fourth भी नहीं होगा sir. Fourth one? नहीं होगा sir. होगा sir. दो function. दो double images हैं. दो image. So it is not a फंक्शन बट सब कुछ रिलेशन ये मैंने जितने सारे दिए सब रिलेशन है ओके फिफ्थ वन होगा होगा इट इज रिलेशन एज वेल एज फंक्शन सो व्हाट इज द डोमेन एक्स वाई जेड डोमेन ऑलवेज सेट ए सेट ए अरेंज ए अरेंज ए सी ए और सी ए एंड सी ए एंड सी ओके ए एंड सी Clearly, this is the subset of B. What domain का subset Yes, sir. हाँ sir. This one? Yes, sir. हाँ sir. हाँ sir है. It is a function. Domain? Set A. A. Range? Set B. Set B. Set B. Set B मतलब codomain. ठीक है? एक केस में आपका रेंज कोडोमेन के साथ इक्वल हुआ अदरवाइज आपका कोडोमेन क्या होता है इन जनरल सबसेट ऑफ बी होता है समझ में आया यस सर हाँ सर डायग्राम करना है तो कर लो
some students coming regularly after 20 minutes, 25 minutes, even 30 minutes. Okay. आप लोग मेरे रेडर पर हो, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ यू. अदरवाइज आपके पेरेंट्स को बोल दो, एक मुझे रिटर्न में दे देंगे. आई विल अलाउ यू. आप चाहो तो मैं नाम भी बता दूंगा. पेरेंट्स को बोल दो मुझे एक रिटर्न में दे दे कि मेरे बेटा और बेटी उनका मर्जी हो कभी भी आ सकते. हो गया सर. ओके. और मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एक बॉक्स के अंदर मैं दे रहा हूं. ऐसे बॉक्स के अंदर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा. तो दिस पार्ट इज योर डोमेन. ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इज द डोमेन एंड वर्टिकल इज द कोडोमेन. समझ में आया? ये पार्ट आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन. इसके ऊपर, इसके अंदर मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, कुछ ग्राफ बनाऊंगा. यू हैव टू टेल वेदर इट इज फंक्शन और नॉट.
बताओ फर्स्ट वन सर फंक्शन होगा ना फंक्शन होगा मुझे मत पूछो आप बताओ होगा कि नहीं होगा ये होगा सर डोमेन के लिए एक ही वैल्यू है अच्छा जस्ट बोल रहा है कि ये होगा और किसी को क्या लग रहा है होगा फर्स्ट वन में होगा सर पूरा डोमेन में यस बताओ क्यों नहीं होगा सर पूरा मतलब हर डोमेन सेगमेंट के लिए रेंज ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन नॉट डिफाइंड डोमेन क्यों नॉट डिफाइंड डोमेन तो मैंने दे दिया ना यहां से यहां तक डोमेन दे दिया तंत्रस बोलो क्यों नहीं होगा होगा सर हाँ नहीं होगा सर क्यों नहीं होगा क्योंकि डोमेन के सारे वैल्यू सारे डोमेन के वैल्यू हाँ सर सारे वैल्यू नहीं मिल पड़ेगा सारे वैल्यू के लिए सारे डोमेन के लिए इमेज नहीं है ये हाँ सर तो आपका यहाँ तक ग्राफ है ठीक है ना इसका मतलब यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ ए पर्सन में मेरे लिए हर हर पॉइंट के लिए आपके पास इमेज है ये एवरी एक्स के लिए आपके पास इमेज है बट ए पर्सन में जो एक्स है इसका इमेज कहाँ है नहीं है सर इसका मतलब ये डोमेन फिलअप नहीं हो रहा है मैंने क्या बताया था डोमेन पूरा फिलअप होना चाहिए सेट ए आपका पूरा फिलअप होना चाहिए तो ये जो पोर्शन में जितने सारे एक्स है ना इसके लिए आपके पास इमेज नहीं है दैट्स इट इज नॉट ए फंक्शन समझा यस सेकंड वन नहीं होगा सर दो इमेज एक डोमेन के लिए मोर देन वन वैल्यू जैसे एक एक्स के लिए आपके पास कितने सारे वाई मिल रहा है एक दो तीन मिल रहा है मोर देन वन मिल रहा है मोर देन वन मिलेगा तो देन इट इज नॉट ए फंक्शन ये भी नहीं होगा सर होगा सर क्यों नहीं होगा ये वाला होगा सर होगा सर ये होगा कोई भी एक्स के लिए आपके पास तो एक ही इमेज है ना दो चार इमेज कहाँ है कोई एक्स के लिए इमेज नहीं है ये बताओ है सर सबके लिए हर एक्स के लिए इमेज आपके पास है और कोई पर्टिकुलर एक्स के लिए आपके पास दो चार इमेज है क्या मोर देन वन इमेज है क्या नहीं है तो इट इज अ फंक्शन मेरा ये फिलअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो डोमेन जरूर नहीं कि फिलअप होगा बट डोमेन फिलअप होना चाहिए ओके सर ओके सर फोर्थ वन होगा सर होगा फिफ्थ वन होगा सिक्स्थ वन नहीं होगा सेवेंथ वन होगा सर होगा एट्थ वन होगा नहीं होगा नहीं होगा सर नहीं होगा सर नहीं होगा ये एक्स के लिए आपके पास कितने इमेजेस है दो कहाँ दो बहुत है सर बहुत सारे ज्यादा ओके तो इट इज नॉट ए फंक्शन इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और आप कर्व के ऊपर उसको घुमाओ मूव कराओ ठीक है हर एक्स के लिए आपके पास एक इमेज होगा तो क्या होगा देन इट इज ए फंक्शन ये एक्स के लिए आपके पास ग्राफ नहीं है तो इट इज नॉट ए फंक्शन इसमें एक्स के लिए मोर देन वन इमेजेस मिला तो इट इज नॉट ए फंक्शन यहाँ पे चेक करो हर एक्स के लिए एक एक वैल्यू मिल रहा है ठीक है ना हर एक्स के लिए आपके पास इमेज है
और एक ही इमेज है, तो इट इज ए फंक्शन। ये भी आपका फंक्शन। लाइक दैट हर एक्स के लिए आपके पास इमेज है फंक्शन, और एक्स के लिए आपके पास इमेज नहीं है, पर्टिकुलर पर्सन में आपका इमेज नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पे भी हर एक्स के लिए आपके पास इमेज है, इसमें ये जो सिंगल एक्स के लिए कितने सारे इमेजेस मिल रहा है, इंफिनिट वाई मिल रहा है, इमेजेस मिल रहा है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, बट वर्टिकल लाइन कहीं पे भी कोई भी फंक्शन में आपका वर्टिकल लाइन प्रेजेंट रहेगा देन इट इज नॉट ए फंक्शन। सॉरी मैंने फंक्शन बोल दिया, कोई भी ग्राफ में वर्टिकल लाइन रहेगा देन इट इज नॉट ए फंक्शन। समझा? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। कर लो कुछ मेंशन। डन। हाँ सर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। पूरे टोटल फंक्शन को तीन पार्ट बना गया, वन इज द वन वन फंक्शन, और इसको बोलते हैं इंजेक्टिव और इंजेक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज द
onto function. It is called surjective or surjection. और एक होता है one one and onto. दोनों का मिक्स रहता है. This is called bijective or bijection. सर मैनी वन भी बोलते हैं ना, यहां से मिलता है. ओके, बट तीन बेसिकली थ्री पार्ट्स होता है. जब वन वन नहीं होता है फिर उसको मैनी वन बोलते हैं. समझा सर. फर्स्ट वन 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 फंक्शन. Injective or what is one one function? Sir, codomain का एक ही pre-image हो तो बोलते हैं. कोडोमेन में अच्छा प्री इमेज किसको बोलते हैं? वन ये फिफ्थ वाले में एक्स ए का प्री इमेज है. एक्स ए का प्री इमेज राइट. यहाँ पे जैसे बोला गया इधर फॉर दिस केस एफ ऑफ वन इज इक्वल टू ए. हियर ए इज कॉल्ड इमेज ऑफ one and one is called pre-image of A. One is called pre-image of A. तो आप क्या बोल रहे हो? एक ही pre-image होना चाहिए, है ना? More than one. One one function के लिए क्या होना चाहिए? एक ही प्री इमेज होना चाहिए. हाँ सर. ओके, व्हाट इज वन वन फंक्शन? लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. इफ एक्स वन एक्स टू belongs to A and x1 is not equal to x2 implies f of x1 is not equal to. इसका मतलब क्या है? different x के लिए different y, है ना? मैं जब x1 x2 को अलग कर दिया मेरा फंक्शनल वैल्यू भी अलग होगा. यू गॉट माय पॉइंट? ये क्या होता है? डिफरेंट x के लिए एक ही इमेज होता है. a का इमेज वन, b का भी इमेज वन. तो डिफरेंट एक्स वैल्यू बट वाई वैल्यू आपका सेम है. दिस इज नॉट योर वन वन फंक्शन. वन वन के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंट दोनों का अलग अलग एक होना. हाँ, इसका अलग अलग होना चाहिए. यहाँ पे मैं डिफरेंट ले रहा हूँ, मुझे इधर भी डिफरेंट मिलना चाहिए. समझ में आया? ये होता है डिफरेंट के लिए मैं आपके पास एक ही मतलब मिल रहा है, सेम मिल रहा है, बट डिफरेंट के लिए डिफरेंट मिलेगा तो देन इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन. और वो भी जो बताया वो भी करेक्ट है, बट डेफिनेशन उसको ठीक से लिखना चाहिए, क्योंकि आप एवरी वैल्यू लिख दोगे, इधर से कोई भी वैल्यू उठाओगे उसका एक ही प्री इमेज होना चाहिए, देन गलत हो जाएगा. क्योंकि जैसे जेड का मेरे पास कोई प्री इमेज नहीं है, y का प्री इमेज है, x का प्री इमेज है, बट z का नहीं है, तो इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे क्या? इज इट फंक्शन और नॉट? फंक्शन है ना सर, वन वन होगा. और इसको भी वन वन फंक्शन बोलेंगे,
तो उसको थोड़ा डिफाइन करना मतलब एवरी बता नहीं पाएंगे, ओके तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा मतलब उल्टा लिखा, डिफरेंट एक्स डिफरेंट वाई, ए लिख डिफरेंट एक्स के लिए डिफरेंट वाई होना चाहिए, समझा? हाँ सर। तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए, मतलब डोमेन में होना चाहिए, और नॉन डोमेन पार्ट का कुछ ले लोगे फिर नहीं होगा। एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, देन एफ ऑफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, नहीं तो ये फंक्शन मेंशन नहीं करोगे, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू डोमेन लिखोगे। मैं यहाँ पे फंक्शन मेंशन कर दिया कि ए टू बी, तो ऑटोमेटिक ए सेट क्या हो जाएगा, डोमेन सेट हो जाएगा। Then function f of x is called one one function. Correct. अब देखते कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा। फॉर एन एग्जांपल ये सेट ए, ये अपर सेट बी, वन टू थ्री फोर, पी क्यू आर एस टी। तो एक केस में मुझे वन वन फंक्शन करना है। अच्छा नंबर ऑफ फंक्शन नहीं बताया ना, एक मिनट। और एक नोट कर दो, नंबर ऑफ फंक्शंस एक केस में आपको बताओ नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। एक केस में आपका नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा। फाइव इज टू फोर। Anything? किसको मिला फाइव रेस टू फोर? फाइव रेस टू फोर किसने बताया? हाँ सर। हाँ कैसे मिला? यस सर, एक हर एक एलिमेंट के पास पांच ऑप्शन है। गुड, इट इज क्लियरली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यस सर। आपका वन के लिए कितने सारे चॉइस है? पांच चॉइस है। किसी के साथ वो रिलेट हो सकता है। ओके तो वन हैविंग फाइव चॉइसेस, टू के लिए फाइव, वन जिसके साथ रिलेट करेगा, टू भी उसके साथ रिलेट कर सकता है। हाँ सर। ठीक है,
तो वन के लिए फाइव चेसेस, टू के लिए भी फाइव, थ्री के लिए भी फाइव, फोर के लिए भी फाइव, तो फाइव प्लस टू फोर. ओके, तो इफ ए हैज एम एलिमेंट्स, बी हैज एन एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ फंक्शंस, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एन रेस टू दी एम इज इक्वल टू एन, देन नंबर ऑफ फंक्शंस from set A into set B is equal to n raised to m, second power first, n raised to m. यहाँ पे जैसे 5 raised to 4 हुआ, इसमें रहेगा n raised to m. Okay. अब ये बताओ इसका कितने नंबर ऑफ सर है, वन वन फंक्शन कितना होगा, फाइव फैक्टोरियल, फाइव रेस टू फोर, फाइव रेस टू फोर, फोर रेस टू फाइव, सॉरी फाइव फैक्टोरियल सर, फाइव फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, फिर इधर होगा तो ये होगा तो 6P4, 6P4. अच्छा सर वो वहां पे भी 5P4 इज इट, यस सर, यस सर, यस, वेरी गुड. वन के लिए कितने सारे चॉइसेस है, सिक्स, सिक्स चॉइसेस सर. टू के लिए फाइव, फाइव कम हो जाएगा क्योंकि वन इसके साथ रिलेट करेगा, टू उसके साथ कर नहीं पाएगा, अदरवाइज वन वन नहीं होगा. तो टू के लिए फाइव चॉइसेस सर, थ्री के लिए फोर, फोर के लिए थ्री, थ्री इसको क्या बोलेंगे, 6P4. Correct. A केस में कितना होगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन सर जीरो ना, नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, हां सर पॉसिबल जीरो, क्योंकि 3P4 तो नहीं हो पाएगा ना, हां सर, क्योंकि वन सपोज जैसे के साथ हो गया, क्यू के साथ, ये आर के साथ, 3P के साथ, 4 किसके साथ, ओके 4 जिसके साथ होगा फिर ये वन वन नहीं हो पाएगा, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो. सपोज ये इसमें भी चार, इसमें भी चार होता तो वन होगा, फोर फैक्टोरियल, फोर पी फोर मतलब फोर फैक्टोरियल. तो इसमें आपको नोट करना है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, इफ ए हैज एम एलिमेंट्स,
P has n elements, then number of one-one function. क्या होगा? NPM. NPM. If n greater than m. Equal m होगा भी चलेगा. Equal m होगा भी फॉर्मूले में लगता है. तो नहीं आप इक्वल के लिए और एक अलग केस करना चाहोगे कर सकते हो. इफ एन इज इक्वल टू एम तो आपका आंसर एन फैक्टोरियल हो रहा है. हाँ सर. एम फैक्टोरियल इधर भी डालोगे तो वही मिलेगा, कोई दिक्कत. इफ एन लेस देन एम जीरो. If function not an one-one function, then इसको क्या बोलेंगे? One-one नहीं होगा तो one many. हाँ? Many one. If function not an one-one function, then the function is called. Many one function. Correct? Yes, sir. Number of many one function. Kya hoga? Number of functions. Minus number of one-one function. समझ में आया? One-one function को हटा दो, बाकी जितने बचेगा many one होगा. ठीक है? तो number of function कितना होता था? M raised to n. N. Minus npm होगा. हाँ sir. If n greater than n. m raised to m minus m factorial hoga if n is equal to m. Haan, sir. And n raised to m minus 0. Maine m raised to n likh diya hai. N raised to m. N raised to m minus 0 matlab pure n raised to m hoga if n less than m. इसको याद रखने का जरूरत नहीं. आपको ये नंबर ऑफ ये याद रखोगे नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन इज द नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ वन वन फंक्शन. समझा? तो वन वन जब निकल जाता है तो मेनी वन तो निकल जाएगा. हाँ सर. तो डबल याद रखने का कोई मतलब नहीं. हाँ सर. ये हो गया. सर एक मिनट और एक नोट कर दो. मेनी वन इज ए फंक्शन. वन मेनी नॉट अ फंक्शन. ओके. मेनी वन इज ए फंक्शन बट one many not a function. समझा ये? Yes sir. ये लिखना है ना number of one.
स्क्रॉल डाउन कीजिए सिर्फ थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना इसको। हाँ सर, हाँ सर, काफी सर नीचे करो। डन सर, एक नेक्स्ट अंटू फंक्शन सर थोड़ा ऊपर ले सकते हो प्लीज। कितना टाइम ले सकता onto function or it is called surjective or surjection what is onto function
सर एक से ज्यादा इमेज एक से ज्यादा इमेज फंक्शन तो होगा ही नहीं, एक से ज्यादा प्री इमेज। हाँ सर प्री इमेज तो सर वो तो मेन्यू वन में गया, मोर देन वन रहेगा तो देन में इट इज कॉल्ड सारे सारे कोडोमेन का प्री इमेज हो तो सारे कोडोमेन का प्री इमेज होता है तो हाँ इसका मतलब यहाँ पे कोडोमेन फिलअप हो जाएगा। फंक्शन में इन जनरल कोडोमेन फिलअप नहीं होता है ना, कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। इट इज फंक्शन और नॉट, नहीं ये तो फंक्शन नहीं है, ये क्या था इसमें कोडोमेन फिलअप, इट इज दिस वन फंक्शन, इसका कोडोमेन फिलअप हुआ है क्या? नहीं सर नहीं हुआ है ना, इतना गैप है ये पोर्शन में नहीं है आपका, कोई ग्राफ नहीं है ये पोर्शन में, तो कोडोमेन फिलअप नहीं हुआ है, तो दिस इज नॉट योर ऑनटू फंक्शन। जहां पे कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा, यहाँ पे रेंज अलग है, कोडोमेन अलग है, रेंज अलग है, ये केस में ये तो फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं, ये अरे ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिया था क्या? ठीक है इधर देख लो, यहाँ पे कोडोमेन पूरा फिलअप है। हाँ सर, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। ओके फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। समझा? कोडोमेन आपका फिलअप होना चाहिए, आपका तो डोमेन हमेशा फिलअप होता है, डोमेन जब तक फिलअप नहीं होगा फंक्शन नहीं होगा, डोमेन तो हमेशा फिलअप होता है बट कोडोमेन हमेशा फिलअप नहीं होता है। व्हेनेवर कोडोमेन इक्वल टू रेंज, रेंज क्या था? सबसेट ऑफ कोडोमेन था, सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। व्हेनेवर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन द फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब हर एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट रखोगे उसका प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम कोडोमेन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन डोमेन। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे हो, कितना हो। इसमें बताइए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए सेट ए इनटू सेट बी, सर टू टू द पावर फोर, टू टू द पावर फोर। नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता है? टू टू द पावर। तो आप क्या बोल रहे हो, जितने सारे फंक्शन होगा सब के सब ऑन टू फंक्शन होगा? फोर एस टू टू, फोर एस टू टू,
फोर एस टू टू मतलब 16, टू रेस टू फोर मतलब वो भी 16, मतलब आप वही बोल रहे हो ना? हाँ सर, जितने सबके सब फंक्शन आपका अनटू फंक्शन होगा और कोई कुछ फंक्शन नहीं बनेगा इसमें। लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऐसा उल्टा नहीं कर पाओगे कि इसके लिए चार इमेजेस है, इसके लिए चार इमेजेस नहीं है, प्री इमेज थोड़ी है के लिए चार होगा। तो बी के लिए भी चार होगा ऐसे बोल रहे हो? तो ए के लिए चार होगा, मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ, बी के लिए भी चार बोल रहे, मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ। इज इट फंक्शन? नो सर। तो फिर एट एट कैसे? ट्वेल्व कैसे? ए के लिए चार और फिर बाकी तीन में से बी के लिए। अच्छा, ए के लिए चार, बाकी बी के लिए कोई भी जो लिया है उसके अलावा बी के लिए थी, कोई भी थी। मतलब ठीक है, मतलब ठीक है, मान लेते हैं। इज इट फंक्शन? नो सर। तो फिर नो सर, आप जैसे बताए मैंने तो ऐसा ही किया। ए के लिए कोई चार्ज, मैंने वन चूज कर लिया। बी के लिए आप बताए कि एक को ये जिसके साथ रिलेशन बना हुआ है, मतलब प्री में जिसके साथ बना हुआ है वो मत लो, बाकी कुछ ले लो। मैंने ले लिया। इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए होगा चार। ये नहीं होता, कैसे होगा फिर बताओ, जो भी आपको जो भी, फिर मैं उसको ये करूंगा ना सर। सिक्स होगा क्या? कैसे हुआ सिक्स? जो भी जो बताओ आप, बताओ कि आंसर कैसे मिला। इसका तरीका सीधा तरीके से नहीं होता है, इसको उल्टा के अब रिवर्स में सोचना पड़ता है। आप सोचो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस कितने सारे ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस कितने ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, जितने बचेगा बाकी सब ऑनटू फंक्शन होगा, ऐसे सोचो। इनफैक्ट कितने केसेस में आपका सेट बी फिलअप हो नहीं पा रहा है, उतना केसेस आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल नंबर से, बाकी जितने होगा बी सेट फिलअप हो जाएगा। बी सेट फिलअप होगा तो देन अनटू हो गया। सर बाइनोमियल से जाएंगे? हाँ सर। मुझे पता नहीं, आप बाइनोमियल जाओ, ट्राइनोमियल जाओ, मल्टीनोमियल जाओ, जैसे भी जाओ, मुझे आंसर चाहिए। हिंट भी मैंने दे दिया सर। नाइन होगा क्या? नाइन बताओ कैसे नाइन हुआ। तो ये तो दिखाई दे रहा है टू रेस टू फोर मतलब 16 फंक्शंस हो रहा है, तो एक एक करके सब डिस्ट्रीब्यूट कर लो 30, कोई एक बताएगा, कोई दो बताएगा, अप टू 16, कोई तो आंसर आ जाएगा।
नाइन कैसा है नाइन आया तो कैसा है नहीं नो आइडिया सर दो मिनट अनमोल बताओ हाउ यू गॉट 12 सर टू सिलेक्ट करना है फोर में से तो फोर इंटू थ्री होगा क्योंकि यूनिक सिलेक्ट करना टू सिलेक्ट करना है फोर से टू सिलेक्ट करेंगे तो फोर से थ्री सिक्स होता है सॉरी फोर होता है सॉरी टू सिलेक्ट करना है फोर से तो सिक्स होता है नहीं सर मतलब दो पोजीशन जैसे समझ के किया मैंने तो फोर में से एक सिलेक्ट करना तो फोर इनटू बाद में एक हट जाएगा तो थ्री फोर इनटू थ्री तो वही मैंने किया ना तो वो टाइम पर फंक्शन मुझे मिला ही नहीं वो तो मैंने किया मतलब ए के लिए आपके पास चार चॉइसेस ऐसे बोल रहे हो ना ए के लिए चार चॉइसेस है बी के लिए जो ए के साथ जाएगा वो बी के साथ नहीं जाएगा तो ए के लिए चार चॉइस मतलब आप ऐसे किया ना चार से कोई एक सिलेक्ट किए तो मैंने सिलेक्ट कर दिया चार से एक अब इसको छोड़ के तीन से एक सिलेक्ट किया सर चौदह चौदह कितना कैसे हुआ ए के पास अगर चारो है या बी के पास अगर चारो है तो ही नहीं होगा ना ए के साथ वेरी गुड वेरी गुड तो नंबर ऑफ अनटू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आपका आपका अप्रोच क्या रहेगा नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ कितने वे में आप अनटू फंक्शन नहीं हो रहा है कितने वे में फंक्शन हो रहा है बट अनटू नहीं हो रहा है अच्छा कितने सारे फंक्शंस कितना हो रहा है 16 और नंबर ऑफ अनटू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ नॉन अनटू फंक्शन ओके हां सर 16 माइनस 2 होगा Z function? Yes. Yes, sir. But onto function नहीं होगा ना? हाँ sir, onto नहीं है. ऐसे? One, two, three, four को B के साथ रख ये कर दो. This one function, but not on? No, sir. Onto function. So two cases आपका कट जाता है. तो यहाँ पे 16 माइनस 2 ये पार्ट आप नोट बना सकते हो सपोज इसमें पांच एलिमेंट्स होता तो वही होता ना ओके क्या होगा 2 रेस टू 5 माइनस 2 If A has m elements, but B has 2 elements, then number of onto function from set A into set B. Is equal to 2 raised to m minus 2. But ये जो मैंने बताया b में सिर्फ दो एलिमेंट होना चाहिए
नेक्स्ट चेक करेंगे इसमें ज्यादा एलिमेंट्स होगा तो कैसे करते हैं, ठीक है। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे, तो वी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है, समझा? हाँ सर। यस सर। चलो थैंक यू एंड बाय। बाय सर। बाय सर। बाय। टुडे ऊपर ले सकते हो।